बात करते हैं टेंस पे, टेंस का। अब हम चालू करेंगे ना यहाँ से। टेंस में क्या है? पास्ट टेंस, पास्ट टेंस इसका हिंदी होता है भूतकाल। ठीक है, पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल। भूतकाल पास्ट टेंस का मतलब क्या है, सेंस क्या है, क्या पहले क्लास नहीं बताते आ रहा हूँ, जिससे कि हमें बीती हुई बातों का ज्ञान होता है। भूतकाल कहते हैं जनरली, हम बोल सकते हैं जो जो चीज बीत गया है, खत्म हो चुका है, उधर ही वो हो गया आपका पास्ट में। जैसे आप हिस्ट्री जितना भी पढ़ते हो, जितना भी हिस्ट्री का पोर्शन है, सारा पास्ट में होता है। आप कोई भी पढ़िएगा कि अकबर था, जहांगीर था, उसने ये किया किया था, मतलब हो चुका था, वो खत्म हो गया है, अभी है नहीं प्रेजेंट में वो। ठीक है, तो वो क्या हो गया, हमारा पास्ट हो गया। तो पास्ट को भी चार पार्ट में डिवाइड किया गया है। आइए देखते हैं कौन कौन। जैसे प्रेजेंट टेंस को चार पार्ट में डिवाइड किए थे हम, फोर पार्ट्स में डिवाइड किए थे, वैसे ही इसको भी फोर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हम। और इसका भी सेम टू सेम वैसे ही, सबसे पहला क्या होगा, सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, सेकंड क्या होगा, पास्ट कंटिन्यूअस। तीसरा क्या है, पास्ट परफेक्ट। चौथा क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, ये हमारे चार पार्ट्स हो गए हैं। और हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे अब सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। ठीक है, तो ये देखते हैं सिंपल पास्ट टेंस के बारे में, इसको पहचानेंगे कैसे, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे क्या बनेगा, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डब्ल्यूएच वर्ड, सारी चीजों को जानेंगे, समझेंगे, और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और अपने टेंस के पोर्शन को पूरा करते चलेंगे। तो सबसे पहले क्या है हमारा, सिंपल पास्ट टेंस, या बोले तो पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, ये हमारा आज का पढ़ना है। ये तो आइए देखेंगे इसको पहचाने कैसे। देखो, मैंने आपको सबसे पहले बताया है कि सबसे पहले मैं छोटे वाले ट्रिक से, बच्चा वाला ट्रिक से बताता हूँ। जैसे ब्रहा है रही है था, बताया था ऐसी ऐसे बताता था, वैसे ही तो अभी भी बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले इसको पहचाने का तरीका क्या है, इसके लास्ट में है या ई, ये डैश डैश लगे रहेंगे। ठीक है, जैसे मोहन खा लिया, ठीक है, सोहन खेल लिया, ठीक है, खेल लिया, इसका मतलब क्या है, यहाँ सेंस क्या एक्सप्रेस हो रहा है, खेल लिया कि खेलना चालू किया था, खेल की समाप्त भी कर दिया। ठीक है, तो क्या हुआ, खेल लिया। ठीक है, खाना खा लिया, पढ़ने चला गया, ठीक है, गया यानी चला गया, चला गया है वो। ठीक है, वो काम को पूरा कर चुका, वो काम समाप्त हो चुका है पास्ट में ही। तो उसे हम कहाँ यूज करेंगे, सिंपल पास्ट टेंस में या पास्ट इंडेफिनिट इसे बोलते हैं सेकेंड लैंग्वेज में। ठीक है, तो इतना हमारा एड्रेस था। अब बात आती है स्ट्रक्चर में, तो यहाँ स्ट्रक्चर थोड़ी अलग होती है। अब आपको जरूरत पड़ेगी वर्ब के फॉर्म की, आपको वर्ब के तीनों फॉर्म याद होने चाहिए। बेसिकली कुछ वर्ड्स होंगे, ठीक है,
अभी तो क्लास रेगुलर चल नहीं रहा है, जब हमारे क्लास रेगुलर जब चालू हो जाएगा तो मैं खुद से कुछ वर्ब्स की फॉर्म लिखवाऊंगा, जैसे कि वोकैब्स आपको लिखवाता हूँ ना, वैसे ही कभी कभी वोकैब्स के जगह पे आपको वर्ब्स की फॉर्म लिखवा दिया करूंगा, या उससे एक्स्ट्रा में डालूंगा उसको। अभी तो बहुत कम कम कंटेंट लेके चल रहे हैं हम, आगे वाले आने वाले दिन में, जैसे मेरा सेक्शन है वोकैब्स, 10 वोकैब्स का है, 10 वोकैब्स की जगह पे हम करेंगे 5 वोकैब्स, ठीक है। और 5 के और अगले 5 में क्या करेंगे, उसको दो इसको डालेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को, या 2 या 3 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और साथ में 1 2 फ्रेजल वर्ब को रखेंगे, फ्रेजल वर्ब को रखेंगे, या फिर आइडियम्स एंड फ्रेजेस को डालेंगे उसकी जगह पे, ठीक है। कि आपको साथ साथ सभी चीजें मिलती रहें और एक बार में आपको ज्यादा लोड ना दिया जाए, थोड़ा थोड़ा करके ही समुन्दर मतलब बढ़ता है, घड़ा भरता है, जैसे आप जो भी बोलते हो आप, तो वही बात है कि थोड़ा थोड़ा करके आप रेडी करोगे तो आपको नहीं लगेगा, लेकिन अचानक से आपको रेडी करने के लिए बोल दिया जाए तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। आगे देखते हैं, तो कहाँ है स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर सबसे पहले क्या है, अफर्मेटिव, दूसरा क्या होता है निगेटिव, तीसरा क्या होता है और लास्ट जो है डब्ल्यू एच वर्ड, ठीक है। तो अफर्मेटिव में मेरा क्या हो गया स्ट्रक्चर, आइए देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की दूसरी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इंट्रोगेटिव में डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, और डब्ल्यू एच वर्ड में आएंगे तो डब्ल्यू एच वर्ड प्लस डेट प्लस, अगर नॉट दिया हो तो नॉट का यूज करेंगे या फिर नहीं करेंगे, ठीक है। प्लस उसकी फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये हुआ हमारा स्ट्रक्चर। अब कुछ एग्जांपल्स लेंगे और उस एग्जांपल्स को हाँ उसको उसकी जगह पे बना के उसको देखेंगे, ठीक है, डिस्क्राइब करेंगे कैसे क्या है। ओके, एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं, वे लोग पटना गए, ठीक है, वे लोग पटना गए, थोड़ा सा समय यहाँ दिक्कत हो रही है दिखने में, यहाँ कर देता हूँ ऐसे, ठीक है, या क्लियर दिख समझ में आएगा आपको। यहाँ पे वे लोग पटना गए, सब्जेक्ट क्या हो गया आपका यहाँ, वे लोग, वे लोग मैंने आपको बताया था क्या है, थर्ड पर्सन है और प्लूरल है, ठीक है। तो वे लोग का स्पेलिंग क्या होता है यहाँ पे, सबसे पहले हमारा ये सबसे पहले तो यहाँ ना क्यों कैसे ये सब कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिंपल लैंग्वेज में दिख रहा है यहाँ वे लोग पढ़ने गए, पॉजिटिव सेंस दिख रहा है आपको यहाँ सबसे पहले, तो पॉजिटिव है तो क्या ये अफर्मेटिव में है, अफर्मेटिव का हमारा स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हो गया वे लोग का इंग्लिश क्या हो गया आपका यहाँ पे दे, दे के बाद क्या है वर्ब के सेकेंड फॉर्म लगेगी। अब दे के बाद देखिए यहाँ वर्ब क्या है, वर्ब आपका यहाँ पढ़ना है, तो पढ़ना का स्पेलिंग क्या होता है रीड, पढ़ना का स्पेलिंग होता है रीड, ठीक है। और यहाँ देखिए रीड के साथ साथ प्रॉब्लम ये है कि रीड का वर्ब टू और वर्ब थ्री तीनों सेम होता है, रीड का रीड 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 ही होता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे वर्ड है जिसका वर्ब फॉर्म सेम सेम हो जाता है, जैसे कट है, कट, तो कट का कट 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 हो जाता है, ठीक है। कम अगर आपको कहीं दिखे, कम का तो कम का सी ए एम ई केम फिर कम हो जाता है। गो है तो गो का वेंट और गॉन हो जाता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, जैसे जैसे आपका क्लास बढ़ेगा
वैसे वैसे आपको समझाया जाएगा। ऐसे वर्क फॉर्म की एक स्पेशल क्लास को रख के मैं जितना इम्पोर्टेंस वर्क फॉर्म बनेंगी उन्हें मैं ट्राई करूंगा कि आपको नोट्स करा दी जाए, ठीक है, और थोड़ी बहुत डिस्कशन के साथ, ओके ना, जो भी इम्पोर्टेंट वर्ड्स जनरल यूज में आती हैं। ऐसे वर्क फॉर्म तो भंडार है, बहुत सारा है, लेकिन अब बहुत सारा का जरूरत नहीं है आपको, बहुत कम ही आपको यूज में लेना पड़ता है, जो कि मैं आपको सब नोट्स करा दूंगा धीरे धीरे करके। वैसे आपके पास ग्रामर की कोई बुक होगी तो उसके कंटेंट से आप उसको पढ़ सकते हो, याद कर सकते हो काम भर के लिए। ओके, तो यहाँ सब्जेक्ट आ गया दे, इसके बाद भर्ब की दूसरी फॉर्म पढ़ना। हाँ, यहाँ पे दो भर्ब हो जाएंगी, पढ़ना भी गए भी, ठीक है। यहाँ पे दो चीजें यहाँ ध्यान देने वाली बात है, आपने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। आप हमसे पूछ सकते थे कि सर यहाँ पढ़ना भी वर्ब है और जानना भी वर्ब है, तो इसको प्रायोरिटी किसको देंगे हम? तो यहाँ मेन फोकस कहाँ पे आपका? जाने पे है, ठीक है, पढ़ने गए, ठीक है। तो दे क्या हो जाएगा? गो का क्या बताया था वर्ब 2 में? वेंट। और वर्ब 3 क्या होता है? गॉन। तो यहाँ गए को प्रायोरिटी देंगे हम, और यहाँ हो जाएगा दे वेंट टू क्या? रीड, रीड, ठीक है, दे वेंट टू रीड। और यहाँ पे यही रहता, राम खाना नहीं खाया, सब्जेक्ट है राम, और नहीं का सेंस आ गया, नॉट आ गया। तो जब नॉट का सेंस आ गया तो उसके साथ क्या यूज करते हैं? डिड नॉट लगता है, डिड नॉट। तो राम के साथ, सॉरी, राम के साथ लगेगा डिड नॉट, उसके बाद उसकी फर्स्ट फॉर्म लगेगी चाहे कोई भी हो। नेगेटिव एगो अफर्मेटिव को छोड़ दिया जाए एक, तो बाकी कोई भी हो सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, बस एक अफर्मेटिव में ही वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है, जो कि आपको मैंने दिखा दिया, ठीक है ना। तो राम डिड नॉट ईट फूड, ठीक है, राम खाना नहीं खाया। अब यहाँ पे आ गया क्या? राम खाना खाया। अभी कुछ दिनों पहले गाना आया था, मेरे बाबू ने खाना खाया, तो वो बाबू वाला नहीं है, राम वाला है। यहाँ फोकस करनी है आपको, ठीक है। तो क्या राम ने खाना खाया? और यहाँ साथ में क्वेश्चन मार्क सबसे इम्पोर्टेंट होता है, जहाँ भी इंटरोगेटिव सेंटेंस और डब्ल्यूएच वर्ड आती हैं आपको क्वेश्चन मार्क से फोकस करना होता है। तो यहाँ क्या सबसे, देखो आपको ये पहचानने में कहीं दिक्कत हो रही होगी, कौन सा सब्जेक्ट, ये कौन सा सेंटेंस आपको इंटरोगेटिव या डब्ल्यूएच वर्ड में है। तो मैं आपको बता दूं, अगर वो डब्ल्यूएच वर्ड में होगा, ठीक है, डब्ल्यू एच वर्ड का जो भी पार्ट है वो सेंटेंस के बीच में दी हुई होगी, ठीक है। अगर सेंटेंस के पहले ही लिख दिया हो क्या, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव हो जाएगा। जैसे सब्जेक्ट के पहले में क्या आपको दिख जाए, तो मान लो उसको क्या आप इंट्रोगेटिव में दिया हुआ है, तो क्या राम खाना खाया? यहाँ सब्जेक्ट फिर राम हो जाएगा, राम यहाँ लिख दोगे आप, नहीं गलती कर दोगे, यहाँ पे आप पहले राम लिख दोगे तो सब्जेक्ट लिख दोगे। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है यहाँ? डिड। सबसे पहले आपने पहचाना कि ये सब सेंटेंस किस टेंस में है? सिंपल पास्ट टेंस में है, और सिंपल पास्ट टेंस का इंट्रोगेटिव प्रारूप क्या होता है? डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले तो हम यहाँ डिड लिखेंगे, ये तो सबसे इजी होता है यार। आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में टेंस था, कहाँ डू लगाए कहाँ डज लगाए, उतनी सारी कंफ्यूजन थी। यहाँ पे जो वन एंड वन है, वन एंड ओनली वन डिड है दिख रहा है आपको, बिना सोचे समझे डिड लगा देना है, इंट्रोगेटिव दिखा आपको तो, ठीक है। उसके बाद से राम सब्जेक्ट है, तो राम डिड राम। अब यहाँ इट लगेगा क्योंकि सेंट्रल टॉप में आप क्या बताया कि अफर्मेटिव छोड़ दो तो कोई भी हो तो वहाँ बस की फर्स्ट फॉर्म में रहेगी, तो डिड राम इट फूड, ठीक है। हाँ क्वेश्चन मार्क, लास्ट में देखो डब्ल्यू एच वर्ड है, देखो राम क्या खाया। अब यहाँ पे डब्ल्यू एच वर्ड सेंटेंस के बीच में आ रही है, ठीक है, तो क्या करेंगे? इसका बीच में आ गई तो मैंने बताया था ये डब्ल्यू एच वर्ड हो जाएगा, तो क्या का स्पेलिंग क्या होता है? व्हाट,
वाट आपका सब्जेक्ट हो गया, इसके साथ लगेगा डिड, जाके जैसा कि हमारा स्ट्रक्चर में यहाँ पे है दिख रहा है, ठीक है, वाट डिड राम, वाट डिड राम इट क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी इसको अच्छे से समझे होंगे स्ट्रक्चर को और साथ में एग्जाम्पल्स को भी। तो इसके साथ भी तीन चार नोट्स होंगे, ठीक है। अभी तो मैंने या ये करके बता दिया कि हाँ इसे आप पहचान जाओगे, लेकिन उससे लिमिटेड पहचान होगे। मुझे आपका लेवल हाई करके जाना है, आपको ऐसे पढ़ाना है कि सिक्स क्लास के लिए ही नहीं, केवल आपको 10th क्लास तक का भी सब कुछ मेंटेन हो। वैसे तो मैं जिस लेवल का पढ़ाऊंगा 12th वाले को भी उतना पता नहीं होता है कितना को देखोगे आप तो, लेकिन फिर भी मैं आपका वो लेवल को मेंटेन करके चलने वाला हूँ कि जहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए एकदम बेसिक से लेकर हर एक बेसिक चीज़ को मैं बताता हूँ, डिफाइन करता हूँ हर एक चीज, छोटी छोटी चीजें को पकड़ के कि आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आए। सॉरी इसको मैं क्यों मिटा दिया यार। तो हेडिंग वही है हमारा, सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है ना, वही वाला है। अब यहाँ नोट्स की बात करते हैं, आइए देखते हैं नोट्स में क्या क्या नोट्स होगा हमारा, ठीक है। देखिए सबसे पहला नोट्स क्या होगा आपका, इट इज यूज्ड फॉर पास्ट हैबिट, ठीक है। पास्ट हैबिट से मतलब क्या है कि कोई भी आपकी आदत थी, पुरानी आदत थी, उससे रिलेटेड चीज, जैसे में आप फुटबॉल खेले हैं, ठीक है, क्रिकेट खेले हैं, ठीक है, इससे रिलेटेड, जैसे आप फुटबॉल खेलना एक आदत होता है, फुटबॉल खेलना भी एक उसमें आदत का ही प्रकार हो गया आपका। आप बाजार जाते थे या जा गए, ठीक है, जो रेगुलर हैबिट होती है आपकी, तो वो इस सब में आता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, एक सेकंड वेट कीजिएगा। ऑलवेज केम लेट, या केम आपको देखते हैं क्या लग गया कि कॉम का सेकेंड फॉर्म क्या है, केम है, ठीक है, तो ही ऑलवेज केम लेट, ये क्या होगा, वो हमेशा देर से आया आया करता था, बोल सकते हो आया, वो हमेशा देर से आया करता था, बोल सकते हो आप जनरल यूज में, ठीक है। सेंटेंस से मतलब नहीं, आपको सेंस से जाना है, सेंस बोलने का सेंस क्या बोल कहता है, ये आपको हैबिट को शो करता है सेंटेंस, तो ये आपका क्या होगा, ये और सबसे मेन पास्ट हैबिट को शो करता है, तो आपका ये पास्ट टेंस में होगा, ठीक है। अब चलते हैं अपने सेकेंड नंबर नोट्स की ओर। दो नंबर क्या होगा, ये हमारा पास्ट टाइम से रिलेटेड सिचुएशंस को बताता है, ठीक है, ये हमारा पास्ट टाइम से रिलेटेड सिचुएशंस को बताता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, देखिएगा,
इट वाज वेरी कोल्ड, ठीक है। तो आपको यहाँ दिखेगा वाज वर, तो आप बोलोगे कि सर आपने बताया था यहाँ केवल डिड का यूज होता है, वाज वर का यूज के भी नहीं होता। देखिए वाज वर वाला यूज वाला ही है ये, जैसे मैंने आपको बताया था सिंपल प्रेजेंट टेंस में कि क्या लास्ट में ता है, ती है, ते है, रहता है, ठीक है, तो बनता है, ठीक है। लेकिन उसमें यूनिवर्सल ट्रुथ भी होता है, जैसे मैं आपको यहाँ दिख जाए, दूध उजला होता है, तो आपका ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, दूध हमेशा उजला हो ही होता है, ठीक है। तो यहाँ आप क्या बनाओगे, मिल्क वाइट्स। हाँ आप तो देखोगे लास्ट में ता है, ती है, सर पे यूनिवर्सल भी है। तो सर हमको बताए थे कि आपको कहीं भी यूनिवर्सल दिख जाए या फिर ता है, ती है, ते है दिख जाए तो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन और वर्ब फाइव और साथ में ऑब्जेक्ट लगाते हैं, इसमें इज आर एन तो लगता नहीं है, ठीक है। तो आप जैसे बनाओगे, नहीं तो ये आपका यहाँ गलत हो जाएगा। यहाँ पे आप इसका बनेगा द मिल्क इज वाइट, ये आपका सेंटेंस सही है, वो ऊपर वाला गलत है, ठीक है। तो आपको मीनिंग सेंटेंस पे नहीं जाना, आपको जाना है सेंस पे, आपको सेंस समझना है कि सेंटेंस का सेंस क्या है, वो कहने का मतलब क्या चाह रहा है, ठीक है, उस पे जाना आपको। तो इट वॉज वेरी कोल्ड भी आपका क्या होगा, ये सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट टेंस का ही होगा, क्योंकि ये पुरानी बातों को बता रहा है, पास्ट रिलेटेड सिचुएशंस को बता रहा है। यहाँ पे ये भी हो जाएगा ही वाज इल, यहाँ आपको दिख रहा है, आपको ये भी क्या है, पास्ट रिलेटेड सिचुएशन है, तो ये भी क्या होगा, सिंपल पास्ट टेंस में ही होगा। अब बात करेंगे हम नोट्स नंबर 3 की। आज हम सिंपल पास्ट टेंस को खत्म करके उसके बाद ही अपने बुक वाले सेक्शन में जाएंगे और बुक वाले बातों को देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, ठीक है। एक दो पॉइंट और बचा हुआ है हमारा नोट्स में, उसको आइए हम जल्दी जल्दी पूरा कर लेते हैं। आइए देखते हैं क्या है। It has taken some adverb of frequency, ठीक है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कुछ वर्ड्स होते हैं रिलेटेड सेंटेंस में जो कि वो हरदम आते ही हैं उसके साथ में, कुछ वर्ड्स के साथ में हमेशा आते ही हैं, उसे हम बोलते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसीज। तो कुछ वर्ड्स हैं उन्हें आप याद कर लोगे और वो सेंटेंस में आपको जहां भी दिखेंगे तो उसको आप मानोगे क्या कि वो जैसे क्या है, वो सिंपल पास्ट टेंस में है। तो कुछ वर्ड्स मैं लिखा देता हूँ उसको, थोड़ा वेट कीजिएगा। ऑलवेज जनरली ऑफन सेल्डम, यही सारी वर्ड्स हैं। मैंने आपको सबसे पहला नोट जो लिखवाया था ना, ये वाला हैबिट वाला, ठीक है, तो हैबिट वाले में इसका यूज करेंगे हम, ओके ना। उसके बाद देखिए ये हो गया एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया। अब चौथा नोट देखते हैं, आई थिंक ये हमारा लास्ट नोट होगा, ये देखते हैं क्या है। हो गया आपका, इतना काफी है आप लोगों के लिए, इतना बहुत हो गया, ठीक है ना, पहचानने के लिए। तो यहाँ आपका पास्ट टेंस का दी एंड होता है,